एवरीवन वेलकम टू माय चैनल। होप कि आप लोग स्वस्थ और अच्छे होंगे। और न्यू ईयर का जो फर्स्ट मंथ है और काफ़ी इसे मैंने डिले किया है, काफ़ी मैंने ब्लॉग्स नहीं डाले अभी तक, पर मैं थोड़ा सा बिजी हूँ इसलिए मैं ब्लॉग नहीं डाल पा रही हूँ, पर लेकिन ब्लॉग शूट बराबर कर रही हूँ। ऐसा नहीं कि मैं ब्लॉगिंग नहीं कर रही हूँ, हाँ प्रॉपर ब्लॉगिंग मैं नहीं कर रही, लेकिन हाँ पर भी मैं थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ आप लोगों को शूट कर रही हूँ। हम लोग जा रहे हैं मार्केट शॉपिंग करने के लिए और घर में है बड्डी, तो चलो सबसे पहले शॉपिंग करके आते हैं, तैयारी कर। बिना सॉक्स के कैसे शूज पहन लिए जू आपने बेटा? अरे यार तुम भी ना। अजी तुम देखो हम लोग राइट साइड चल रहे हैं ना, आप जल्दी ले चलो थोड़ा सा। चलो देखते हैं। अरे बैठने दो मुझे, थोड़ा मैं थक गई। तुम भी थक गए हो? मैं तो थक गई हूँ। अच्छा हम दोनों ही थक गए हैं। हाँ हम दोनों थक गए हैं, तो हम लोग बैठ गए आगे और भैया दिखा रहे हैं कपड़े। हम लोग मोस्टली अर्जुन के कपड़े यहीं से लेते हैं और अच्छे प्राइस पे अच्छी मिल जाती। तो हमारी शॉपिंग डन हो गई है और हम एक और डेस्टिनेशन पर जा रहे हैं और जिनका नाम मम्मा। थक गई हूँ मैं थक गया हूँ मैं, और मैं भी थक गई हूँ यार, बहुत देर से शकल लेके घूम रही हूँ मैं। चलो भाई अगले डेस्टिनेशन पर चलते हैं, बाकी शॉपिंग हमारी डन हो गई है। फ्रूट्स भी ले लिया, फ्रूट्स घर में नहीं थे तो मैंने फ्रूट्स भी ले लिए। हम घर पहुँच गए, थक गए, बैंड बज गई हमारी। ओ नो अज्जू थक गई हूँ मैं, ये देखो हालत क्या हो गई हमारी। तो पहुँच गया घर, तो मार्केट से लौट के आए, लोग आराम करते हो, मेरे घर में ये शैतान मुझे सोने नहीं दे रहा, बैठ गया ये झिंगा लाला हुड़ करने के लिए, मतलब गेम खेलने के लिए। बट मुझे पेशेंस कितना, सच में अंदर बहुत पेशेंस है, मैं बच्चों से बहुत अच्छे से खेलती हूँ। तो हम लोग खेलने जा रहे हैं झिंगा लाला हुड़। इसमें बहुत मम्मा, एक दिन मम्मा आ गई मुझसे, मुझे बहुत आ रहा हूँ, अब मम्मा आ रही। मैंने हराया था तुमको? हाँ एक दिन तुम हार गई थी। अच्छा देख लो मैं कब हारी थी। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लगते हैं, इनको सही से लगाओ। ये टावर बनाने की बारी एक बार तुम्हारी होगी, एक बार मेरी होगी, चीटिंग मत करना। तुम्हारी बारी है। ओके करो। मैं क्यों करूं? तुम चीटिंग करते हो अज्जू। तुम भी हेल्प करो। तो रखो तुम्हारी बारी है। दिया। जी पार्टी में जाना होता है तो मेरे बाल कभी नहीं बन पाते, फिलहाल मैं रेडी हो गई हूँ। थोड़ा सिंपल सा ही लुक किया है मैंने, क्योंकि टाइम नहीं मिल पाया, क्योंकि मैं बातों में बहुत एक्सपर्ट हूँ ना, मैं बातें ही करती रही थी। बोले तुम बातें करती रहो या तैयार हो लो, तुम्हारे पास दो ऑप्शन थे, तो मैंने बातें चुनी और बातों के चक्कर में लेट हो गई। और फिलहाल मैं आई लाइनर लगा लेती जब तक भैया रेडी हो रहे हैं। क्यों? कि बताने के लिए कि हमारी गाड़ी खराब है। उसको सुनाई क्यों देगा? तभी तो आएगा अगर कोई आया नहीं तो। सुनाई ये है आउल कैफे। नमस्ते हरदोई। ये है रूट ऑफ म्यूजिक फूड वाइब्स एंड ड्रिंक्स। चलो जो
तो हम माउल कपे पहुँच गए थे। मैं फर्स्ट टाइम गई थी और बहुत बार प्लान बनाए पर हम जा नहीं पाए थे। तो ये कुछ इस तरीके से इंटीरियर है। यहाँ पे बड़े छोटा सा हॉल था और जब मैं जाती तो लेट लतीफ़ी हमेशा रहती है, तो मैं सीधे गई नाश्ते पे गिर पड़ी। तो भैया सब लोग बोले नाश्ता करो। देन इसके बाद हम लोगों ने नाश्ता किया और ये इनका बाहर का रूप टॉप वाला एरिया है, वो उधर छोटा सा हॉल था जो कि ठीक है अगर आप 20 लोगों तक अगर आप लोगों को किसी को इनवाइट करना है। ये देखो दीदी कुछ मुझसे बोल रही थी क्योंकि मैंने ओवर वॉइस इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे म्यूजिक बज रहा था। नई ब्लॉग भी जरूरी है, फोटो भी जरूरी, दोनों काम साथ साथ करेंगे। चलो भाई पहले फोटो कर लेते। खाने पीने के बाद थोड़ी सी ना सब लोगों ने डांस स्टार्ट कर दिया और हमारी फैमिली में फंक्शन हो कोई डांस ना करा ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है। हम लोगों को डांस करने एनकरेज है कि कहीं भी शुरू हो जाता है। एक्चुअली मतलब सब लोगों को डांस करना पसंद है, हम लोग करते हैं यहाँ पे इस तरीके से छोटे मतलब एकदम काउंटर जैसे बने थे ना, जैसे कि रिक्शे के वो होते हैं सीट, मतलब रिक्शे नहीं सॉरी उसके सीट जो होती है ना बस की, वैसे छोटे छोटे वो भी बने थे बैठने के लिए जगह थी। और यानी मोनू मुझे बुला रहा था भैया कभी आप याद, पर मैं ब्लॉग बना रही थी और मेरा मन भी नहीं कर रहा था क्योंकि बहुत ठंड लग रही थी, डीजे चल रहा था और मैंने इसको ओवर वॉइस इसलिए किया कि हाँ भेज देंगे। शिवा तुम्हारा फोन कहाँ गई शिवा? तो हम लोग बहुत डांस करते थे, मैंने क्लिप लगा दी। मैंने पूरी तरह से ब्लॉग नहीं बना पाती हूँ एक्चुअली, क्योंकि मैं लगता है कि कुछ लोगों को ब्लॉगिंग ऐसे करना पसंद होता है, कुछ लोगों को नहीं पसंद होता है ना, तो मुझे थोड़ा कंफर्टेबल नहीं होता। मैं ये सोच रही थी करूँ ना करूँ। फिर मैं जब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस में आ गई तब तक पार्टी ओवर हो जाती है, तो इसीलिए मैंने मतलब ब्लॉग मतलब प्रॉपर से शूट नहीं किया था। डांस की क्लिप्स ज़्यादा इसमें आती थी, सब ने खूब मस्ती की और यहाँ पर हम सब लोग खूब डांस कर रहे हैं। तो आप इस डांस को एंजॉय करिएगा और आगे पूरे ब्लॉग को एंजॉय करिएगा। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करिएगा, सब्सक्राइब करिए बिना जाइएगा ही नहीं आप लोग, प्लीज़। एंड एक लाइक ज़रूर कर दिया करिए क्योंकि आपकी लाइक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप लाइक करेंगे तो मतलब एक लगता है कि वीडियो क्वालिटी अच्छी है या लोगों को वीडियो पसंद आ रहे हैं, तो उससे इंप्रेशन अच्छा होता है। तो प्लीज़ लाइक कर दिया करिए, कमेंट भी कर दिया करिए छोटा सा, और अब आगे आप ब्लॉग को एंजॉय कर सकते हैं। इस पार्टी में जितने लोग हैं मोस्टली मेरे ब्लॉग्स देखते पर लाइक कोई नहीं करता, ऐसा बोलते मैंने आपका ये वाला ब्लॉग देखा था बहुत अच्छा था, बहुत मज़ा आया, बट कोई लाइक नहीं करता है। मतलब मैं ये सोचती बोलती लाइक कर दिया करो, फिर बोल के लाइक करवाना पड़ेगा क्या? तो आप लोगों को मतलब एक काम है कि आप लोग जो भी मेरे ब्लॉग जो भी लोग देखते हैं ब्लॉग जितने भी व्यूज़ आते हैं सब कुछ लाइक कर दिया करो। जिस तरीके से ब्लॉग आते हैं उतनी भी लाइक्स आ जाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करिए। क्योंकि अभी बोला ना जैसे कि लाइक की बहुत इंपॉर्टेंस होती है मेरे ब्लॉग्स कुछ लेट आ रहे हैं, आप लोगों को लेट देखने को मिल रहे हैं, बट अभी मैं कोशिश करूँ कि जल्दी से जल्दी जितने भी वीडियो लाइनअप है मैं सबको आपके साथ डाल दूँ। मैं इसके बाद रेगुलर एक या दो दिन के गैप में सारे ब्लॉग्स आपके साथ शेयर करूँ। और यहाँ पर मैं बोल रही थी ना कि यूट्यूब पर मतलब मैं बताती करूँ कि कुछ कुछ मेरे को मिलता लोग मोटी मोटिवेट भी हो जाती थी बीच में, फिर मैं सोचती अरे यार लोग तो कुछ भी करेंगे मैं कुछ करूँगी नहीं, तभी लोग मुझे कुछ ना कुछ बोलेंगे, और अगर मैं कुछ करती हूँ तभी लोग मुझे कुछ ना कुछ बोलेंगे। तो ये लोगों का काम है, अगर मैं कुछ पढ़ती भी हूँ तो लोगों को उससे भी प्रॉब्लम होती है, अब पढ़ रही है ये कोई एज है पढ़ने की, अगर मैं कुछ और भी करती हूँ तो मतलब लोगों को प्रॉब्लम्स हमेशा होते रहते हैं। तो इसलिए जो आपको अच्छा लगे आप करते रहिए, क्योंकि मैं ये बात बोलनी थी काफ़ी टाइम से, मैं अपने मन में ये बात को रखी हुई थी, मैंने सोचा ना मैं आप लोगों को साथ ही शेयर कर सकती हूँ। अब ये है मेरा वाला डांस जहाँ कि मुझे डांस नहीं आता पर मैं डीजे पे जाके 10 बार गाने बदल पाती हूँ। ये वाला गाना नहीं, अरे ये वाला भैया अच्छा नहीं लग रहा है इसमें नहीं करूँगी, दूसरा बजाओ क्योंकि मुझे डांस ही नहीं आता है।
तो मैं थोड़ा बहुत देखिए डांस कर पाती हूँ, और मस्ती के टाइम पे मैं ये कहूँ मैं घंटे दो चार घंटे लगातार डांस कर सकती हूँ, बट मैं प्रॉपर परफेक्ट वाले जो नहीं होते हैं स्टेप्स नहीं कर पाती हूँ, तो बस ऐसे मज़े कर लेती हूँ। यहाँ पर देखिए चाची निधि, मतलब ये मेरी फैमिली के ही लोग हैं, सारे लोग इन्जॉय कर रहे हैं, और इतनी गर्मी लग रही थी मतलब कि डांस करते करते मैंने अपने स्वेटर भी निकाल दिए, और बाद में जब डांस खत्म होता है तो बहुत ठंड लग रही होती है। और ये हम लोगों का लास्ट परफॉर्मेंस है, क्योंकि इसके बाद हम लोगों को कट करना है केक आरब का। तो ये हमारा ब्लॉग आपको पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थक हारने के बाद फिर मैं यहाँ पे आ गई अपनी कॉफ़ी पीने के लिए, क्योंकि मैं बहुत थक गई थी और मुझे बहुत गर्मी भी लगी, तो मैंने सोचा कि ना मैं थोड़ी देर बैठ जाती हूँ, रिलैक्स कर लेती हूँ, इसके बाद फिर डांस करूँगी। तो यहाँ पर मैं कॉफ़ी अपनी इंजॉय कर रही थी जस्ट, क्योंकि ठंडी में कॉफ़ी पीना बड़ा अच्छा लगता है ना, और चाय कॉफ़ी मिल जाए तो अच्छा है। यहाँ पे फिर मैं एक डांस और किया, क्योंकि मुझे अर्जुन के साथ करना था। मैं हमेशा किसी भी पार्टी में जाती हूँ तो अर्जुन के साथ एक बार डांस जरूर करती हूँ, और अर्जुन को बहुत पसंद है गाना, वो सिस्टम पर बहुत अच्छा सा डांस कर लेता, अच्छा क्या मतलब बच्चे के हिसाब से अच्छा डांस कर लेता। अगर मैं उसको कल को सिखाऊँ डांस तो वो आई थिंक सीख जाएगा, बट उसका इंटरेस्ट नहीं है, वो बोलता मुझे मम्मा म्यूजिक सीखना है, तो बच्चों की जो इंटरेस्ट होता है वही करवाना चाहिए। तो यहाँ पे हम सब लोग ने मिलके डांस किया, और डांस तो क्या आपको लगता है ख़त्म ही नहीं होगा, ये तो मैंने कुछ क्लिप ही आप लोगों के साथ शेयर किए हैं, मैंने इतने डांस क्लिप्स डाले हैं, इतने डांस क्लिप्स डाले हैं, मतलब सूट के लोगों ने सबने भेज भी दिए कि आप अपने ब्लॉग में डाल दीजिएगा। और देखो लोग कुछ लोग कोऑपरेटिव हैं मेरे यहाँ पे, मतलब जो मुझे सब्सक्राइब किए मेरे फैमिली मेम्बर हैं या रिलेटिव हैं, कुछ कोऑपरेटिव हैं कुछ नहीं है। जैसे कुछ लोग तो कहते हैं हाँ डालो ये वीडियो मैं आपके लिए शूट कर देता हूँ, पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उनको पसंद नहीं है मेरी वीडियो को डालना, मतलब बोलते हैं ये नहीं अच्छा लगता है, तो हर तरीके के लोग हैं मेरे साथ। फिर यहाँ पे आती है बारे कट कर केक कट करने की, तो आप लोग जस्ट इन्जॉय करिएगा, बहुत सारी मैंने बातें बोल दी आज के ब्लॉग में। तो अब आप इसको केक सेरेमनी को इन्जॉय करें, और बहुत सारी ब्लेसिंग दें आरब को। तो चलिए कॉन्टिन्यूसली आप देखते रहें, बाय बाय। अर्जुन का है Happy birthday dear Ara, Happy birthday to you, Happy birthday to you, केक कट करने के बाद बारी आती है इनके खाने की, तो मैं इनका खाना भी आप लोगों को दिखा देती किस तरीके से हमें सर्व करते हैं खाना। अगर आप लोगों को बर्थडे पार्टी करनी हो तो आप लोगों को एक आइडिया मिल जाएगा। तो इस तरीके से इन्होंने हमें तीन सब्जियां दी थी, जैसे कि पनीर की एक सब्जी दी थी, उसका एक्चुअली मुझे नाम नहीं पता, पनीर बटर मसाला हो या कढ़ाई पनीर हो। इसके बाद हमें दी थी बीन्स और मटर की, मतलब मिक्स वेज सब्जी, जिसका प्रेजेंटेशन मुझे बहुत अच्छा लगा, ओवरऑल मतलब देखने में अच्छी लग रही थी सब्जियाँ। देन इसके साथ हमको उन्होंने दिए थे दाल मखानी, जो उड़द दाल और राजमा से बनती है मिक्स होके, इसमें थोड़ा सा सॉल्ट मुझे ज़्यादा लगा, बट इनका मेरा टेस्ट बहुत अच्छा था, पता नहीं कौन से मसाले डालते, बहुत टेस्टी बना था। इसके बाद हमको राइस भी इन्होंने दिए, और एक स्वीट थी रसगुल्ले वाली, और साथ में था रायता पापड़ और नान एंड मिस्सी रोटी, इतना था इनका मेन्यू, जो कि हमें ये पूरा आई थिंक 15,000 में पड़ा था, जितना कि मैंने मोनू भैया से पूछा था। और इनका इंटीरियर और डिज़ाइन मतलब बहुत अच्छा लगा, क्योंकि उन्हें रीयूज़ किया अपनी छत को, पहले पूरी टीन बनाई, टीन के ऊपर उन्होंने फिर इस तरीके से डिज़ाइन करके मतलब इस तरीके से सबको डेकोरेट किया, तो मुझे बहुत अच्छा आइडिया लगा कि किसी चीज़ को रीयूज़ करके मतलब इतना अच्छा बना देना बहुत अच्छी बात है। तो इस तरीके से इनका ये था, और इनके ये स्लिप के बाद आगे छोटा सा मॉकटेल भी एरिया था, जहाँ पे इनको मॉकटेल देते हो, ड्रिंक्स देते हो, मतलब इसमें लिखा था बार लिखा था, और कोई यहाँ से था नहीं जिससे मैं पूछ पाती, तो छोटा सा था, बहुत छोटा था, यहाँ पे कोई था नहीं। और अगर आपको छोटी मोटी गैदरिंग करनी है 10-15 लोगों की या फ्रेंड के साथ जाना है तो आप आराम से जा सकते हैं। विंटर में मुझे लगता है कि कम अगर फैमिली है आपकी तो अवॉइड करिए, क्योंकि बहुत मतलब ठंडा लगता है। अगर समर में आपको जाना है तो जा सकते हैं, और ब्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे, तब तक के